खबर पौड़ी से है, जहां जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को कार्यवाही न होने के कारण आज अपना सिर मुंडवा लिया। धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य पिछले 2 वर्षों से जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक न होने के कारण नाराज हैं। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने विभाग के कनिष्ठ अभियंता और निर्माण पटल पर तैनात कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि दोनों ने राज्य सरकार से प्राप्त बजट को खर्च करने में वित्तीय अनियमितताएं कर भ्रष्टाचार किया है, जिस पर धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिर मुंडवाते हुए जिला पंचायत सदस्य गौरव और कुलभूषण ने कहा कि जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक न होने के कारण वो क्षेत्र की समस्याओं को सदन के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में कराए गए कार्यों का भुगतान भी नहीं हो पाया है। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी 6 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। तो ये त्रैमासिक बैठक जो होती थी वो बहुत लंबे समय से हुई नहीं, जिसमें कि बजट की स्वीकृति होती थी, सबको बताया जाता था कि किस प्रकार से हम लोग अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे, लेकिन बहुत समय से वो सारी चीज़ें धीमी पड़ी हुई हैं। और अध्यक्ष जी को कई बार हमने चेताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अनदेखी हम लोगों की है। इस कारण से हम लोगों को धरने पर बैठने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ा और सर मुंडवाने तक के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। लिखित में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने हमको 15 तारीख से पहले पहले सारी समस्याओं के हल के लिए एक आश्वासन लिखित रूप में हमको दिया था, जो कि जो कतई है अभी तक मतलब उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और इसके पश्चात हम लोग जैसे आज हम लोगों ने मुंडन कार्यक्रम किया है, जितने भी सारे दलाल जिन्होंने इस जिला पंचायत को हाईजैक किया हुआ है, और मुझे जहां तक लगता है कि ये इतिहास में पहली बार पौड़ी जिला पंचायत में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन और विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई सदन चले, हो सकता था अच्छे से वो सदन चले, इसलिए इस प्रकार की गर्माहट हुई नहीं। लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं कि मुंडन कार्यक्रम हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है, यहाँ तक कि अमरण अनशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ा नहीं जाता है, तो हम जब तक हम अमरण अनशन तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जिला पंचायत बोर्ड ही जब नकारा है, यहाँ पे जितने भी हमारे AME हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब के सब भ्रष्ट लोगों के लिए ही भ्रष्ट लोगों की यहाँ पेमेंटें हो रही हैं, किसी भी जनमन आदमी की यहाँ पेमेंटें नहीं हो रही हैं। अभी भी आप चाहे चेक कर लें, 6 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई, 13 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई है, यहाँ पे जिला पंचायत के दलालों की पेमेंटें होती है, जितने भी लोग दलाल क्या है इनकी पेमेंटें यहाँ पे होती है, बाकी किसी की पेमेंटें यहाँ पे नहीं।